हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 81, या फिर हम कह सकते हैं कि ये पांचवें चैप्टर का आठवां वीडियो है। और आज हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एसई रिएक्शन। यहाँ ई का मतलब तो इलेक्ट्रोफिलिक होता है और एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एसई रिएक्शन। हिंदी में आप इसे कह सकते हो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें अटैकिंग रिएजेंट एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। मतलब हमारे पास जो रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, पर इसकी खासियत यह है कि इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो अटैकिंग रिएजेंट होता है ना, वो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें अटैकिंग रिएजेंट एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। अब आपको समझना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टू टाइप्स के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक तो यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे आप लिख सकते हो SE1 रिएक्शन, और दूसरा होता है बाई मोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम लिख सकते हैं SE2 रिएक्शन। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी या ऑर्डर कितना होगा? एक, या फिर हम कह सकते हैं कि उस रिएक्शन का रेट केवल एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। जबकि SE2 रिएक्शन के नाम से ही पता चल रहा है कि जिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट दो मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ऐसी रिएक्शन को हम बाई मॉलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ नीचे लिखी हुई है ये दोनों बातें जो मैंने आपको अभी समझाई हैं। पहली बात, जब किसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट ओनली एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो ऐसे रिएक्शन को SE1 रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और जब किसी SE रिएक्शन का रेट टू मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो ऐसे रिएक्शन को SE2 रिएक्शन कहते हैं। अब हमें एक बात समझनी है कि जैसे बेंजीन का नाइट्रेशन करना है, या बेंजीन का हेलोजिनेशन करना है, या सल्फोनेशन करना है, बेंजीन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, वो मोस्टली SE2 रिएक्शन ही होती हैं। इस बात को दोबारा समझो, ध्यान से समझो कि बेंजीन का नाइट्रेशन एक बाई मॉलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो जैसे बेंजीन का नाइट्रेशन ही देख लो आप। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसका हमें नाइट्रेशन करना है, तो इसके ऊपर NO2 पॉजिटिव जो एक इलेक्ट्रोफाइल है। NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल क्यों है पता है ना आपको? इसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ आपको एक बात समझनी है कि आपको इस बात का तो पता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम अटैच है पहले से ही। भाई एक कार्बन तो यहाँ है ही, ये तो कार्बन है ही, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। हर एक कॉर्नर पर, हर एक कोने पर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। क्या होता है कि ये जो पाई बॉन्ड है ना आपका, ये वाला पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? इस कार्बन एटम पर। और जब कार्बन एटम पर जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन एटम पर, और यहाँ यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो नेगेटिव चार्ज वाली साइट पर अटैक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल रहे हैं इसे, तो NO2 पॉजिटिव वहां कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो देखो इस वाले कार्बन पर ये H तो पहले से ही था और NO2 भी आ गया, और इसके ऊपर का चार्ज इसलिए खत्म हो गया क्योंकि वहां कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और NO2 के ऊपर कैसा चार्ज था? पॉजिटिव।
तो क्या होगा कि इस कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोजन तो पहले से ही था, NO2 ग्रुप आ जाता है, और इस ऑर्थो पोजीशन पर, इस पोजीशन को आप क्या कहते हो, ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन वाले कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये स्टेप यानी NO2 के बेंजीन रिंग पर, NO2 पॉजिटिव के बेंजीन रिंग पर जुड़ने का जो रिएक्शन है वो स्लो है। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ आए तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस वाले कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर अगली बार क्या होगा, इस वाले डबल बॉन्ड के, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे और इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। देखो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड वो वाला यहाँ आ गया। अब क्या होगा, अब यहाँ डबल बॉन्ड जब आएगा, जब हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएं और यहाँ बॉन्ड बन जाए, और जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये यहाँ से निकल के भाग जाएगा तो हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप, और H पॉजिटिव यहाँ से रिप्लेस हो गया या सब्स्टिट्यूट हो गया। बताओ समझ में आ रही क्या बात। तो यह हुआ बेंजीन का नाइट्रेशन। अब यदि आपको बेंजीन का हेलोजिनेशन करना है तो भी हेलोजिनेशन में हेलोजन से रिएक्शन यदि करनी है तो आप NO2 पॉजिटिव की जगह Cl पॉजिटिव लोगे, और यदि आपको सल्फोनेशन करना है तो आप लोगे, सल्फोनेशन में क्या जुड़ता है, आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हो। ठीक है, तो मतलब कहने की बात यह है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला तो आपको बताया, H2SO4, तो OH SO3 H पॉजिटिव का अटैक होता है, OH नेगेटिव हो जाता है अलग। SO3 H पॉजिटिव भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसे तो ना लिखो तभी सही है, इसका अटैक होगा इसका सल्फोनेशन। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। देखो दोबारा बता रहा मैं आपको, बेंजीन रिंग ये वाला, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, हाइड्रोजन इस पे अटैच है ही, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से NO2 पॉजिटिव वहां अटैक करेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज वहां से कहाँ आया, नीचे आया पैरा पोजिशन पर, और पैरा से फिर चला गया ऑर्थो पोजिशन पर। उसके बाद हमने इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया और H पॉजिटिव यहाँ से छोड़ के चला गया। तो अब सवाल ये आता है कि सर ये रिएक्शन एक स्टेप में हुई है, दो स्टेप में या तीन में, मैं बताता हूँ। जैसे आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी, SN2 रिएक्शन पढ़ी थी ना, SN2 रिएक्शन एक स्टेप में होती है, इसी तरह ये भी एक स्टेप में ही होती है, SE2 रिएक्शन है ये, और SE2 रिएक्शन एक स्टेप में होती है, और ये वाला है वो स्टेप जो स्लो लिखा हुआ है, और इस स्टेप में दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रही है, दो स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है इसकी, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं SE2 रिएक्शन। SE2 रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही हो रही जैसे आपने पढ़ा था SN2 रिएक्शन को, SN1 और SN2 में, SN2 एक स्टेप में होती थी ना और उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती थी, बिल्कुल इसी तरह इसकी है। तो जिस तरीके से हमने नाइट्रेशन कराया है इसी प्रकार हेलोजिनेशन भी आप कर सकते हो, सल्फोनेशन भी कर सकते हो, आदि रिएक्शंस को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब देखो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब हम बात करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पता चल गई, SE1 हमारे कोर्स में है नहीं, SE2 रिएक्शन में हमने बेंजीन का नाइट्रेशन किया है, आप नाइट्रेशन की जगह हेलोजिनेशन भी कर सकते हो और सल्फोनेशन भी कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि होगा तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही, पर इसमें अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा, फ्री रेडिकल। तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें अटैकिंग रिएजेंट एक फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है,
मतलब आपको एल्केन के ऊपर हेलोजन का रिएक्शन करना है किसकी उपस्थिति में, सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में। इट इज ए थ्री स्टेप मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में कितने स्टेप होते हैं, इसके मैकेनिज्म में तीन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन का, यानी श्रृंखला के शुरू होने का। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी अटैकिंग रिएजेंट जहां से आएगा वो मॉलिक्यूल, जैसे हेलोजन मॉलिक्यूल है, Cl2 तो हेलोजन ही है, क्लोरीन। इस हेलोजन मॉलिक्यूल में अल्ट्रावायलेट लाइट या हीट की प्रेजेंस में इसमें होमोलाइसिस होगा, जैसे आप होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कहते हो। होमोलाइसिस में क्या होता है कि बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन एक एटम पर और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पर चला जाता है, और इस एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम दिखाते हैं फिश हुक एरो से, या फिर हाफ हेडेड एरो से, हाफ हेडेड कर्व्ड एरो से। देखो आधा सिर है, हाफ हेडेड है, कर्व्ड माने मुड़ा हुआ है। तो ये आपको हेलोजन फ्री रेडिकल्स मिल गए। तो पहला स्टेप समझ में आ गया, चेन इनिशिएशन में आपका जो हेलोजन मॉलिक्यूल होता है उसमें होमोलाइसिस होगा अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में या फिर हीट की प्रेजेंस में, जिससे आपको हेलोजन के फ्री रेडिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होगा, यही बात लिखी हुई है नीचे इन तीन लाइनों में। देखो इस स्टेप में अल्ट्रावायलेट लाइट या हीट की प्रेजेंस में हेलोजन मॉलिक्यूल में होमोलाइसिस होता है, जिससे हेलोजन फ्री रेडिकल्स प्राप्त होते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होगा, देखो पहले स्टेप का नाम था चेन इनिशिएशन, यानी चेन यानी श्रृंखला का शुरू होना। दूसरे स्टेप का नाम है चेन प्रोपेगेशन, यानी श्रृंखला का बढ़ना। ठीक है, ये आपका जो पहले स्टेप में सीएल फ्री रेडिकल मिला था वो मीथेन के साथ रिएक्शन करेगा और यहां से ये निकल जाएगा एचसीएल। ऐसे दिखा सकते हो, ये तो यहां से क्या निकल गया, एचसीएल निकल गया। और एचसीएल निकलने के बाद क्या हुआ, ये निकल गया देखो HCl, ये CH3 बन गया फ्री रेडिकल। CH3 के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया फ्री रेडिकल। तो जब आप फर्स्ट स्टेप में बनने वाले हेलोजन फ्री रेडिकल का रिएक्शन मीथेन के साथ कराओगे तो आपको मिथाइल फ्री रेडिकल मिलेगा और साइड प्रोडक्ट HCl। और ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है वो फिर हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, और इस हेलोजन मॉलिक्यूल में क्या होगा, होमोलाइसिस ही होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, जो इलेक्ट्रॉन एक सीएल के पास गया वो वाला सीएल, यानी एक सीएल फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ेगा और आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, और एक सीएल फ्री रेडिकल हो जाएगा अलग। तो चेन प्रोपेगेशन में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप से प्राप्त सीएल फ्री रेडिकल मीथेन से रिएक्शन करके मिथाइल फ्री रेडिकल बनाता है। ठीक है, अब क्या हुआ उसका मिथाइल फ्री रेडिकल का, देखो मिथाइल फ्री रेडिकल का क्या हुआ। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल Cl2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके CH3Cl व Cl फ्री रेडिकल बनाता है। ठीक है, यही तो हुआ था ऊपर। तीसरा स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन का, यानी चेन कब खत्म हो जाएगी, उसकी लेंथ बढ़नी बंद कब हो जाएगी। चेन टर्मिनेशन में आपके जितने भी फ्री रेडिकल पहले और दूसरे स्टेप में बने वे फ्री रेडिकल आपस में जुड़ने शुरू हो जाते हैं और जुड़ के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे सीएल फ्री रेडिकल सीएल फ्री रेडिकल से मिला और Cl2 बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल से भी मिल सकता है, CH3Cl बन गया, और दो मिथाइल फ्री रेडिकल भी आपस में जुड़ सकते हैं जिससे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 अर्थात इथेन बनेगा। तो इसमें आप लैंग्वेज में लिख सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में बनने वाले फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्ट करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इस स्टेप में ये रिएक्शंस भी होते हैं, मतलब ये ऊपर तो हमने तीन लिख दिए पर ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है। देखो CH3Cl है, इसने सीएल फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन किया, यहां से एक एच निकला और ये वाला सीएल, एचसीएल तो निकल गया, CH2Cl फ्री रेडिकल बन गया। अब ये CH2Cl फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा सीएल टू के साथ,
और Cl2 जब रिएक्शन कर रहा होगा तो आपको पता है कि Cl2 में होमोलाइसिस होगा, इससे दो Cl फ्री रेडिकल मिलेंगे, एक Cl फ्री रेडिकल इससे जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH2Cl2, और वो जो Cl फ्री रेडिकल जिसने किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया वो हो जाएगा अलग, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, CH2Cl2 है ये, CH2Cl2 फिर Cl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से H, यहाँ से Cl निकल जाएगा, HCl ये निकल गया और CHCl2 फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो CHCl2 फ्री रेडिकल है वो फिर दोबारा से Cl2 मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो Cl2 मॉलिक्यूल में होमोलाइसिस होगा, जिससे दो Cl फ्री रेडिकल मिलेंगे, एक Cl फ्री रेडिकल यहाँ रिएक्शन कर लेगा और एक रह जाएगा अकेला। जो Cl फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ेगा तो प्रोडक्ट वो बनाएगा CHCl3, CHCl3 बन जाएगा और Cl फ्री रेडिकल वो है जिसने किसी के साथ रिएक्शन नहीं की। अब ये जो CHCl3 है वो फिर Cl फ्री रेडिकल इस वाले के साथ जो बच गया था उसके साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl निकल जाएगा और आपके पास CCl3 फ्री रेडिकल बनेगा। ये जो CCl3 फ्री रेडिकल है वो फिर Cl2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और होमोलाइसिस के कारण एक Cl फ्री रेडिकल यहाँ जाके जुड़ेगा और एक हो जाएगा अलग। CCl4 मेन प्रोडक्ट आएगा और Cl फ्री रेडिकल एक साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे होंगे कि कितने एच थे, तीन थे, अब कितने एच बचे, दो, अब कितने बचे, एक, अब एक भी एच नहीं बचा। यहाँ देखो, समझ रहे ना, तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि एक एक हाइड्रोजन एटम घटता जा रहा और उसके जगह सीएल आता जा रहा, तो ये वाला रिएक्शन भी साथ साथ चलता है, इस स्टेप में ये रिएक्शंस भी होते हैं। क्लियर बात, बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ाई हम करेंगे कल, ठीक है बेटे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।